Now let's talk about Francisco de Almeida. Francisco de Almeida को 3 साल के लिए किंग ऑफ पुर्तगाल ने इंडिया में अपॉइंट करा एज अ गवर्नर। तो अल्मेडा जब एज अ गवर्नर इंडिया में आता है तो अच्छी खासी फोर्स के साथ आता है और उसको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि इंडिया में जाकर पॉलिटिकल पावर बढ़ाना है और उसको ये भी इंस्ट्रक्शन दिए गए कि मुस्लिम ट्रेड को बर्बाद करना है, कैसे, एडन, ऑर्मुज और मलक्का के पोर्ट को सीज करके। और उसको ये भी एडवाइस दी गई कि उसको फोर्ट्रेसेस बनाने हैं अंजादेवा, कोचिन और कैनोर में। अब इंडिया में जमोरिन भी उससे अगेंस्ट था, मेमुलिक भी अगेंस्ट था, तुर्क भी नाराज थे। तो इजिप्शियन ने एक आर्मी तैयार करके बोला पुर्तगीज को अब हराना है। अब 1507 में छोटा सा एक नेवल बैटल होता है जिसमें एक तरफ होती है इजिप्ट और गुजरात की नेवी और दूसरी तरफ होती है पुर्तगीज की नेवी। और फिर इस बैटल में पुर्तगीज हार जाते हैं और अल्मेडा का बेटा मर जाता है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर से लड़ाई होती है, इजिप्ट और गुजरात की कम्बाइंड आर्मी हार जाती है। और अल्मेडा का सपना था कि पुर्तगीज को इंडियन ओशियन का मास्टर बनाना है, इसलिए उसकी पॉलिसी को ब्लू वाटर पॉलिसी कहा जाता है।